आमिर खान के जन्मदिन पर बाबा बागेश्वर ने दे दिया ऐसा सदमा, पूरी रात नहीं सो पाएंगे भाईजान। हिंदुओं के लिए आमिर खान से भिड़ गए बाबा बागेश्वर, खुलेआम उड़ा दी एक्टर की धज्जियां। बाबा बागेश्वर ने आमिर खान की ऐसी सच्चाई दुनिया को बताई जिसने अब आमिर खान की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ाई। सामने थी 10 लाख की भीड़, दुनिया भर में लाइव चल रहा था नजारा, फिर ऑन कैमरा बाबा ने बांध दी आमिर खान की ठटरी। देखता रह गया पूरा बॉलीवुड, बाबा की बात सुन ताली बजाने लगे सनातनी। कमेंट में आप भी बताओ कि आमिर खान पर धीरेन्द्र शास्त्री का सही था बयान। जी आज आमिर खान का जन्मदिन, लेकिन आमिर खान जहां एक तरफ जन्मदिन का जश्न मना रहे थे, वहीं बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं का अपमान करने पर आमिर खान का जश्न मातम में बदल दिया। इतना बड़ा सदमा दे दिया कि आमिर खान पूरी रात नहीं सो पाएंगे और अब आगे से हिंदुओं पर, सनातन पर, हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने से पहले 100 बार सोचेंगे। दरअसल मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान जब अपना जन्मदिन मना रहे थे, तब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें बाबा धीरेन्द्र शास्त्री खुलेआम आमिर खान को एक नसीहत दे रहे हैं। अब इसे नसीहत समझ दीजिए, धमकी समझ दीजिए, बाबा की चेतावनी समझ दीजिए, चाहे जो समझ दीजिए, लेकिन आमिर खान की ठठरी बन गई। छाती ठोक कर बाबा ने बता दिया कि वो असली सनातनी है और आगे से सनातन का अपमान बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, मुंबई में हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, पर कहे बिना रहेंगे भी नहीं। जब भगवान ने मुंह दिया है, माइक अपने बाप का, मुंह अपने ब्रह्मा जी का, मंच अपना, लाइट अपनी, हवा अपने हनुमान जी की, वो भी अपने बाप की है, हवा भी अपने बाप की है, अब रहना भी नहीं चाहिए। वहाँ पर जितने भी धर्म विरोधी हैं, चित्र विचित्र फिल्में बनाते हैं, गालों में भगवान को चिपका लेते हैं, नंगे पोंगे घूमते हैं और न जाने क्या क्या बोलेंगे। हम उनसे यही कहेंगे, सुधर जाओ, अब राम का राज आ गया है, कृष्ण लला आने वाले हैं, गानों में भी गायक भीपराग आ गया है जो सीधा श्री राधा राधा से ही स्टार्ट करता है। अब तो ये जो बाधा वाले हैं ये भी हट जाएंगे, क्योंकि इनके पास है राधा, अब नहीं रहेगी भारत में कोई बाधा। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ये कहते हैं, सभी को ये मैसेज पहुंच जाता है कि ये मैसेज सीधा सीधा आमिर खान के लिए है, क्योंकि आमिर खान ने ही फिल्म पीके में गाल पर हिंदू देवी देवताओं के स्टिकर लगाकर उनका अपमान किया था। पूरी फिल्म में कई बार हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया था, जो धीरेन्द्र शास्त्री से सहा नहीं गया। अब जब आमिर खान का जन्मदिन था, इस मौके पर उन्होंने साफ साफ बता दिया कि बॉलीवुड वालों सुधर जाओ, अब हम किसी भी कीमत पर हिंदू देवी देवताओं का, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। बड़ी बात यह है कि इस मौके पर बाबा के चरणों में मशहूर सिंगर बीपराग बैठे हुए थे, वो ये सब सुन रहे थे। अब वो भी क्योंकि बॉलीवुड के लिए ही गाने गाते हैं, तो एक तरीके से बीपराग के जरिए बाबा बागेश्वर आमिर खान को ये चेतावनी दे रहे थे और बीपराग हंसते हंसते सब सुन रहे थे। उनको भी पता था कि बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ऐसे में आमिर खान तो ये सोच रहे होंगे कि आज तो भाई मेरा जन्मदिन है, आज तो दुनिया भर से बधाई मिलेगी, लेकिन कहां बधाई और कहां सुताई। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने तो भगवान का अपमान करने पर सीधा सीधा आमिर खान की सुताई कर दी और उनको सीधा सीधा चेतावनी दे दी कि सुधर जाओ, अब राम का राज आ गया है, अब हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं चलेगा, उल्टी सीधी पिक्चरें नहीं चलेंगी, आमिर खान होंगे तो अपने घर के होंगे, बाबा बागेश्वर के आगे एक छोटे से भक्त भी नहीं हो। अब ऐसे में आप बताइए, बाबा बागेश्वर का ये मैसेज क्या बिल्कुल ठीक है? क्या आप भी मानते हैं कि आमिर खान ने वाकई में हिंदू देवी देवताओं का अपमान वाली फिल्में बनाई थी, इस वजह से उनके खिलाफ बाबा ने ये बयान दिया है? और क्या आमिर खान की नींदें उड़ जाएंगी? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।